Good morning, everyone. My name is Nisha Goyal. I have been working in KV Nagrota since August 2019. And first of all, I would like to tell you about my uh, qualifications, such as I I got uh, 131 marks in my first attempt uh, in uh, seated out of 150, and uh, uh, in DLED I got I secured rank four in. Uh, and um, all the government diets, and after that, I recently got selected in SB uh, this year with 165 marks. Okay, uh, so now I would like to share my experience, my KVS interview experience. I will be bilingual while speaking, so that it is uh, more useful for you. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माई इंटरव्यू वेन्यू वॉज जे एन यू डेली मेरा जो इंटरव्यू हुआ था जे एन यू डेली में हुआ था uh, मेरे इंटरव्यू पैनल में टोटल चार लोग थे uh, जो कि uh, मैं अगर आपको बताऊँ तो uh, अलग अलग फील्ड से स्पेशलिस्ट थे थे like, लाइक एक जो हिंदी के थोड़े एक्सपर्ट थे एक सर थे वे मैथ्स के थोड़े एक्सपर्ट लग रहे थे एक मैम थी वो ई बी एस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे और एक सर थे वो ओ, मतलब जो भी हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं चारों सब्जेक्ट्स से थे ठीक है और हमने जो मेरी प्रिपरेशन थी थ्रू आउट मैंने आ, क्या किया था मैंने अपनी पोम्स पे बहुत फोकस किया था लाइक वेदर इट इज़ हिंदी पोम और इंग्लिश पोम मैंने हर क्लास की एक एक पोम प्रिपेयर की थी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश आल्सो ठीक है वो मेरा बहुत प्लस पॉइंट था और आ, ये मतलब मेरी जो आ, मैंने स्टार्टिंग में अपने कुछ आई थिंक फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे सो दैट आई कैन गेट थ्रू माई इंटरव्यू और उसके लिए मैंने मतलब बहुत अच्छे से उन फिफ्टी क्वेश्चन को तैयार किया था लाइक इंट्रोड्यूज़ योर सेल्फ हाउ विल यू यूज़ आई सी टी इन योर टीचिंग मतलब बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन की थी अब मैं थोड़ा सा अपने इंटरव्यू का बता देती हूँ कि इंटरव्यू का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था फर्स्ट थी जो मेरी ड्रेसिंग थी मैंने साड़ी पहनी थी मैंने आ, हील्स पहनी थी जो कि फ्लैट हील्स होती हैं ठीक है आ, और बिल्कुल ही मतलब जिनमें आवाज़ नहीं आती ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब आपनी ड्रेसिंग है आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए आप क्योंकि फ़र्स्ट आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके भी मार्क्स होते हैं आपके ना तो आप अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल डिसेंट रखिए अगर आप एक गर्ल हैं तो आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए कि अगर आप साड़ी पहन सकते हैं कंफर्टेबली तो आप साड़ी पहनी वरना सूट भी सूट इज़ आल्सो फाइन अगर आप एक मेल मेम्बर हैं तो फिर आप अ, एक मेल कैंडिडेट के लिए अ, जनरली शर्ट है और डिसेंट मतलब शूज़ जो थोड़े से डिसेंट हो फॉर्मल टी शर्ट मतलब फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट थोड़ा फॉर्मल लुक होना चाहिए ठीक है और एक टीचर के बारे में बताइए आपको बिल्कुल डिसेंट सा एक फॉर्मल लुक आपको चाहिए वो सभी को पता ही होता है कि भाई आपके जो बाल हैं वो अच्छे से बने हों अच्छे से आ, मतलब टाए हों ठीक है ऐसे खुले बाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बाल आपके टाए हों आपने साड़ी या सूट पहना है और आप वॉच भी रखें थोड़ा सा अच्छा आपका अपेरेंस आता है वॉच के साथ और साथ में आप जो भी शूज़ पहन रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो अच्छे हो और थोड़े से आपके जो नेल्स हैं आप नेल्स पे थोड़ा सा से ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों पे ठीक है और ज़्यादा मेकअप ना करें मतलब बहुत ब्राइट मेकअप ना करें बहुत लाइट मेकअप सा बहुत डिसेंट सा आप, आप की थोड़ा सा एक फॉर्मल लुक आया आपका ठीक है ये थोड़ा सा एक, एक्सटर्नल आस्पेक्ट हो गया जिन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया था और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर आप एक आ, मतलब एक ऐसे फॉर्मल एक आ, लुक में जाएँ ताकि आपको देख के लगे कि हाँ भाई ये सीरियस कैंडिडेट है ठीक है उसके बाद अगर आप अपना जो कंटेंट है कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिएगा कंटेंट में आपको क्या करना है अगर आप एक पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आप मोस्टली uh, देखिए कि आपको जैसे मैथ्स uh, के बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि परसेंटेज है फ्रैक्शन है और uh, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इन सब ये सब आपको पढ़ाने आने चाहिए ठीक है और स्पेशली आपको क्या ध्यान देना कि जो आपके जो एक आपका एक आप माइंड में लेके चलेगा एक नॉर्मल सा क्लासरूम है क्लासरूम में आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज होंगे उनका कैसे यूज़ करके आप वो टीच करेंगे लाइक like अगर आप एडिशन है मान लो आपकी क्लास में कुछ लेटर्स uh, uh, से कुछ बुक्स पड़ी हैं बुक्स को यूज़ करके आप एडिशन करवा सकते हो पेंसिल्स को यूज़ करके इरेजर्स को ठीक है तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंट देनी है वहां पर इंटरव्यू बोर्ड को कि आप क्लासरूम रिसोर्सेज का यूज़ करके भी आप टीच कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक है ये आपके थोड़ी मैथ्स की और ई के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाए थोड़ा सा ई वी एस थर्ड टू फिफ्थ की जो ई है वो थोड़ा सा गो थ्रू होके जाए जैसे बेसिक कंसेप्ट जैसे कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से अजीब थे मैं अपने क्वेश्चंस बताती हूँ जैसे कि माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि काओ में और एक बफलों में क्या अंतर होता है ठीक है तो फिर और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको चार साल के बच्चे को बताना है तो मैंने उनको यही आंसर किया था सर यू कैन नॉट टीच डिफ्रेंसीेशन टू अ फोर ईयर चाइल्ड ठीक है तो उन्होंने बोला चलो इसे छोड़ो आप चार फोर्थ क्लास में जो बच्चा है उसको कैसे समझाओगे तो फिर आ, मेरा आंसर ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था उसमें आ, और फिर उसके बाद आ, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रूट एंड अ फ्रूट एंड अ वेजिटेबल वो मैंने अच्छे से आंसर किया था कि फ्रूट जो है वो आपकी ओवरी से आ, आता है प्लांट की और जो आ, वेजिटेबल है वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से बनते हैं उसके बाद आपका आ, मतलब नॉर्मली उन्होंने मुझे टीच करने के लिए बोला था तो फिर मैंने पोम टीच करी थी झूला और एक आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्लास की पोम है ये झूला हिंदी में और एक इंग्लिश की पोम टीच की थी डाउन बाय द रिवर वो मैंने बहुत अच्छे से टीच की थी इसमें जब आप टीच करें ना तो एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क भी आपको करना है ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा आपको डेट मैंशन करनी है आपको टॉपिक मैंशन करना है मिनिमम ठीक है कि मिनिमम इतना आपको ध्यान रखना है कि आप डेट और टॉपिक मेंशन करेंगे ठीक है और वो भी ऐसे नहीं कि जाति आपने मेंशन कर देना है कि भाई ये टॉपिक बढ़ाऊँगी मैं आज ये नहीं पहले आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करो बच्चों से बात करो ठीक है मतलब जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल होगा उससे आपको थोड़े से आ, मतलब फ्रेंडली वो हो के कि भाई जैसे आप अपने बच्चों से बात करें हाँ बेटा बताओ ठीक है ऐसे करके उनके साथ एंगेज हो के आ, करना है और मतलब वो आपको है ना थोड़ा ध्यान भटकाने की भी कोशिश करेंगे दे विल प्रटेंड कि भाई हम तो मतलब ऐसे ही मतलब बच्चों जैसे बच्चे अगर ऐसे करेंगे तो आपके आगे करोगे तो वो चीज वो भी फैक्टर रहता है तो फिर आपको क्या करना है आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि भाई हम आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आपको उस बच्चे को मतलब उस इंटरव्यूअर को बोलना है कि बेटा व्हाट आर यू डूइंग मतलब उनसे इंटरेक्ट करना है उनको बुलाना है कम ऑन द स्टेज एंड टेल मी व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट टीम तो उनको भी थोड़ा एंगेज रखना है और पूरी आपकी जो कॉन्वर्सेशन हो वो थोड़ी मतलब ऐसे डिलाइटफुल हो बहुत ऐसे मतलब अच्छे से और फुल टाइम आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए ठीक है और जैसे कि मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने है ना ज़्यादा क्वेश्चन के मैंने इतने मतलब जैसे जो तीन क्वेश्चन पूछे थे एक एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि गन्ना कैसे उगाते हैं ठीक है तो उसका भी मेरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था यानी तीन में से मेरे दो आंसर लगभग ऐसे ही थे मतलब बेकार ही थे और एक एक आंसर था वो अच्छा था तो फिर मतलब इंटरव्यू में फिर भी मेरा मतलब काफ़ी फिफ्टी टू ठीक मतलब मार्क्स आ गए थे हालांकि मेरे को मतलब काफ़ी टेंशन थी कि भाई बहुत मैंने आंसर्स ही नहीं किए थे पर आपकी जो अपियरेंस है ठीक है अपियरेंस के टेन मार्क्स टेन के अराउंड मार्क्स होते हैं ठीक है आपकी जो फिज़िकल अपियरेंस है कि भाई आपने अच्छे से मतलब आपका जो लुक है वो एक टीचर वाला है या नहीं ठीक है आपकी कम्युनिकेशन के थे कम्युनिकेशन वॉज़ गुड ठीक है मेरी अच्छी कम्युनिकेशन थी उनके साथ और फिर इसमें आपके थोड़ी सी नॉलेज का होता है ठीक है आई थिंक मेरा वहाँ पे थोड़ा डिडक्ट हो सकता है क्योंकि मैंने थ्री में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर किया था और टीचिंग के भी अच्छे मार्क्स होते हैं तो फिर मैं टीचिंग वॉज़ गुड बहुत मतलब बहुत अच्छे से प्रजेंट किया था मैंने और लगभग मैं और जो मेरे जो फेल फेलो कैंडिडेट्स थे उनका मैं बता देती हूँ कि उनमें यही था कि मेरा लास्ट था ना तो मैंने सबका सुना था कि मेरे से पहले जो भी इंटरव्यू के जो कैंडिडेट थे ना उसमें सब में ही यही था कि भाई सबसे पहले उनका नेम वग़ैरह पूछ रहे थे फिर उसके बाद परसेंटेज कैसे टीच करेंगे फ्रैक्शन कैसे टीच करेंगे यही जो कॉमन चीज़ें होती हैं कि अब आई को कैसे इंक्लूड करेंगे और उस वक्त मतलब निपुण भारत वगैरह कुछ नहीं आएगा बट अभी जो है निपुण भारत अभी मैं केवी में वर्किंग हूँ तो मुझे पता है कि निपुण भारत मतलब हमारे लिए कितना बड़ा मतलब एक प्रोग्राम है कितना बड़ा इनिशिएटिव है एफ एल एन निपुन इनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और जो के वी है ये मतलब आई सी टी पर बड़ा ध्यान दे रहा है मतलब कंप्यूटर नॉलेज पे इसीलिए इन्होंने पेपर में भी इंक्लूड किया तो आपको मतलब एक आपका बेनिफिट हो सकता है कि कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आप फोकस करें और एक आपकी ये जो है कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपने एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि रीसेंट जो uh... के वी के इनिशिएटिव्स हैं वो उन सब से आप गो थ्रू हो जाए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वे लोग ये भी पूछ सकते हैं और आप है ना जब एंटर करो तो मतलब बड़े ही अच्छे से उनको ग्रीट करो और जाते वक्त भी ग्रीट करो लोगों से गलती क्या होती है कि आ, मान लो अब आए अच्छे से ग्रीट किया और आपने मान लो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए क्योंकि वो होता है कि भाई कई बार माइंड में नहीं आती हैं चीज़ें और हम घबरा जाते हैं तो फिर हमें लगता है भाई हमारा तो इंटरव्यू गया और हम बिना ऐसे ग्रीट के वापस आ जाते मतलब बिना अच्छे से ग्रीट किए ऐसे बट मेरा ये ये प्लस पॉइंट था कि मेरी ये मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया था कि भाई जाते वक्त बहुत अच्छे से मतलब ग्रीट करके आना तो मैंने वो चीज़ की थी तो उसका मुझे बेनिफिट हुआ था कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाते वक्त भी मैंने इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छे से थैंक यू बोला था थैंक यू मैम थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ठीक है ऐसे करके थोड़ा सा अच्छे से आप लास्ट में भी कर सकते हैं तो फिर मेरा जो ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मतलब थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप में था मतलब ज़्यादा क्योंकि मेरा बिल्कुल लास्ट में था तो फिर वो बिल्कुल जाने लग रहे थे बिल्कुल ऐसे कि वो भी निकल रहे हैं जाते जाते उन्होंने ऐसे हुआ था और मेरे से मतलब कुछ ये इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा था पर आप अपना इंट्रोडक्शन और बहुत जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन आप ऐसे ले चलो कि ठीक है जो आपके दिमाग में आपको पता ही है कि भाई इंट्रोडक्शन आपको पूछ सकते हैं आपकी हॉबीज़ आपकी जो हॉबीज़ आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मेन है इसमें क्योंकि आ, आपकी हॉबीज़ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हालांकि मेरे से पूछा नहीं गया था क्योंकि लास्ट में था बट जो मेरे से पहले जो लोग थे उन सब से लगभग पूछा गया था इस बारे में ना तो आप अपनी जो हॉबीज़ इंटरेस्ट जो बता रहे हैं उन पर क्रॉस क्वेश्चन क्वेश्चनिंग होने का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है तो आप उसका थोड़ा ध्यान दे सकते हैं ओवरऑल डरने की कोई बात नहीं है आप मतलब बिल्कुल ऐसे फ्री हो के अच्छे से मतलब विद द स्माइल और बिल्कुल अच्छे से आप उनके साथ बात करेंगे यू विल फील लाइक कि आप अपने अंकल से किसी मतलब जो एजुकेटेड अंकल हैं उनसे बात कर रहे हैं आंटी हैं उनसे बात कर रहे हैं वो वैसा ही माहौल रहता है वो थोड़ा सा डराने की भी कोशिश करते हैं कई बार ताकि आप थोड़ा सा घबरा जाओ और नर्वसनेस में गलत गलत बोलो ऐसे कोई सोच के मत जाओ ठीक है कंटेंट के सिर्फ टेन ही मार्क्स हैं और सारी चीज़ें अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो फिर वो नलीफाई हो जाता है लाइक मैं अपना बता रही हूँ कंटेंट का मेरा इतना मतलब कुछ नहीं रहा था कंटेंट में मेरा मतलब गलत हो गए थे दोनों मतलब इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था कंटेंट वाइज और बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाज़ गुड ठीक है आप बस अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो प्रैक्टिस करो फर्स्टली आप मिरर प्रैक्टिस करो मैंने मिरर प्रैक्टिस की थी और मैंने अपना जो ग्रुप बना लिया था एक ठीक है ग्रुप में जैसे मेरे ग्रुप में आई थिंक आठ से दस लोग थे हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे एक दूसरे से हम एक जगह पे मिलके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे और उसमें हम जैसे चार लोग बैठ के क्वेश्चनिंग करते थे ठीक है अगर आपका ऐसा ग्रुप बन पा रहा है तो वेल एंड गुड वो आपको बहुत हेल्प करेगा ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट और आई uh, होप आप लोगों का अच्छा जाए थैंक यू थैंक यू सो मच